मैच नंबर 21 लखनऊ वर्सेस गुजरात जायंट्स। दोस्तों ये मैच इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके हाईलाइट हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस मैच में लखनऊ ने पहली बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए 20 ओवर में। दोस्तों इनकी तरफ से केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक ओपनिंग करते हुए। राहुल ने 33 रन बनाए और क्विंटन डीकॉक 6 रन बनाकर आउट हो गए, जिसकी साझेदारी अच्छी नहीं रही। इसके बाद मयंक पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए छोटे लोग गए। और दोस्तों ये पता नहीं कितना भारी नुकसान होता है एलएसजी को। मयंक कब तक सही होंगे, आगे मैच खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, ये आपको अपडेट मिलता रहेगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसके बाद स्टोइनिस ने 58 रन की एक धमाकेदार पारी खेली। आयुष धोनी ने 21 रन और इसके बाद निकोलस पूरन ने दोस्तों 32 रन की धमाकेदार पारी खेली। दोस्तों 163 रन के उपलक्ष्य में इसके बाद बैटिंग करने आई गुजरात जायंट्स, जिसमें एलएसजी के विकेट में गेंदबाजों ने एक विकेट रवि बिश्नोई ने, इसके बाद 3 विकेट कुणाल पांड्या ने और 5 विकेट एस ठाकुर ने लेकर गुजरात जायंट की कमर तोड़ दी। आपको बता दें गुजरात जायंट को ये 33 रन से मैच हरा दिया लखनऊ ने। और गुजरात जायंट की तरफ से बैटिंग करते हुए 19 रन गिल ने बनाए, इसके बाद 39 रन शाही सुदर्शन ने बनाए। थोड़ी देर संघर्ष किया लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स को हरा दिया। बाद में राहुल तेवतिया ने 32 रन जरूर बनाए लेकिन वो भी मैच नहीं जिता पाए। बाकी कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सका। और केन विलियमसन हो, राशिद खान हो या विजय शंकर हो, सभी फ्लॉप हुए और 163 रन ना बनाकर 130 रन बनाकर 33 रनों से मैच को हार गए। जय हिंद, जय भारत।